मैं डॉक्टर दिनेश त्यागी, सीनियर फिजिशियन, मैक्स हॉस्पिटल ग्रेट नोएडा। जो ये होली का पर्व हमारा आने वाला है, इससे संबंधित कुछ बीमारियों और कुछ सावधानियों के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। इस त्यौहार पे, इस पर्व पे बड़े उल्लास के साथ लोग एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन अनजान कई बार हम लोग इस प्रकार के कृत्रिम रंगों का प्रयोग कर लेते हैं, जिसके प्रयोग करने से हमें कई बार चमड़ी की एलर्जी हो सकती है और कई बार हमें सांस की समस्या भी पैदा हो सकती है। इसके अलावा इस त्यौहार पे अक्सर लोग एक दूसरे को भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन खिलाते हैं। उन व्यंजनों में कई बार इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, अगर उसको हमने बहुत सावधानी पूर्वक तैयार नहीं किया है। इसलिए मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि रंगों का प्रयोग करते हुए वो विशेष तौर पर ध्यान रखें कि वो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करें, और जब भी वो किसी व्यक्ति को, किसी व्यंजन को परोसें, तो उसमें प्रॉपर सावधानी से सफाई का विशेष ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा उसके अंदर चिकनाई का प्रयोग न करें और कोई भी बासी चीज़ इसमें इस्तेमाल ना करी जाए। इसके अलावा जो दूसरी समस्या देखने को मिलती है होली के पर्व पे, वो ये है कि बहुत से लोग कई प्रकार के नशे करने में कुछ अजब सी खुशी महसूस करते हैं। उसमें कई बार कुछ जहरीली शराब भी आ जाती हैं, कई बार कुछ लोग भांग का प्रयोग भी करते हैं। इसके अलावा कुछ विभिन्न प्रकार के और भी नशे हैं जिनका प्रयोग लोग इस अवसर पर करना पसंद करते हैं। लेकिन इन सभी किस्म के जो नशे हैं, इनसे कई किस्म की समस्याएं पैदा होने का खतरा रहता है। उससे कई बार ऐसे जो व्यक्ति हैं जो इनका बहुतायत में प्रयोग कर लेते हैं, उनको कई बार अस्पताल भी जाना पड़ जाता है। तो मेरी गुजारिश यह है कि ये एक खुशी का अवसर है, इस अवसर पे किसी किस्म का नशा या इस किस्म की चीज़ों का प्रयोग न करें, जिससे वो भी स्वस्थ रहें और उनके परिवार वालों को भी कोई किसी किस्म का कष्ट पैदा ना हो। अब इस मौसम में जो होली का पर्व है, ये एक ऐसा समय है कि जब हमारा सर्दी का मौसम जाने लगता है और गर्मी की शुरुआत होने लगती है। ऐसे मौसम में अक्सर पेट के रोग जोर पकड़ने लगते हैं, तो ऐसे में खान पान का विशेष तौर पर ध्यान रखें। खाना हल्का लें, बहुत ज़्यादा जो वसा में, जो जिनमें वसा होती है जिन खानों में, उनका प्रयोग ना करें, और बासी व्यंजनों का प्रयोग भी न करें, जिससे उनका पेट ज़्यादा खराब ना हो। इस वर्ष एक विशेष समस्या देखने को मिल रही है कि इस ठंडी में काफ़ी लोगों को स्वाइन फ्लू या छाती के इन्फेक्शन होते रहे हैं। अभी भी जो तापमान है वो सुबह और शाम बहुत ठंडा हो जाता है और दिन में तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में कपड़ों का प्रयोग बहुत होशियारी से करें और बहुत देर तक पानी में ना भीगें। बहुत ज़्यादा पानी में भीगने से भी जो इस किस्म की जो सांस की बीमारियाँ हैं, जुकाम की बीमारियाँ हैं, वो बढ़ सकती हैं। हम आप सभी लोगों को इस अवसर पे होली की तहे दिल से शुभकामनाएं देते हैं, और अगर कोई भी समस्या इस किस्म की होती है तो आप कभी भी हम लोगों को संपर्क कर सकते हैं। हम लोग मैक्स हॉस्पिटल में भी उपलब्ध हैं और अपनी क्लिनिक पर भी उपलब्ध हैं। धन्यवाद।